देख रहे हैं SPN9 न्यूज, मैं काशिफ अली। आज हम बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। आज सिर्फ चर्चा प्रियंका गांधी की पूर्वी उत्तर प्रदेश की हो रही है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद को हर कोई नजरअंदाज कर रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव में हो जाने के बाद उनको मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन उनको वहां का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। फिर उसके बाद उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश लेकर आया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो मुस्लिम बहुल इलाके जहां आते हैं, उसमें मुरादाबाद, मेरठ, बरेली और गाजियाबाद, ये सब इलाके आते हैं। अब लेकिन जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की हालत काफी खस्ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रामपुर भी आता है, जहां से समाजवादी पार्टी के आजम खान भी आते हैं। तो जंग अगर प्रियंका गांधी के बीच होगी तो जंग तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और आजम खान के बीच भी होगी। ऐसी जंग होगी कि अभी तो फिलहाल आजम खान थोड़ा सा तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रभारी बनाया गया था तो आजम खान ने कहा था प्रभावशाली नेता है, बड़े नेता है। बहरहाल अभी फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर आखिर कांग्रेस पार्टी ने कौन सी एक नई चाल चली है, क्योंकि स्थिति पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अच्छी नहीं है। कांग्रेस की अच्छी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बावजूद भी 7 सीटें से ज्यादा नहीं आ पाई थी। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे पार पाएंगे, आखिर कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला फतह करेंगे, आखिर कैसे वो कौन सी रणनीति होगी कि आजम खान की बातों को वो काट सकेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रभारी बनाए गए हैं तो टिकट की जिम्मेदारी भी उन पर होगी, कांग्रेस को जिंदा करने की जिम्मेदारी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर होगी। वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां से आजम खान आते हैं, समाजवादी पार्टी के आजम खान, जिनके अल्फाज, जिनकी बातें, जिनकी बोल आज हर कोई देखकर जानता है, पहचानता है और समझता है कि आजम खान के जो बोल होते हैं वो सबको चारों खाने चित कर देते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी राजनीति का हम छोटा नहीं आंक सकते। उनका कद हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कम करने की कोशिश की या ज्यादा करने की हम नहीं जानते, क्योंकि मुख्यमंत्री उनको बनाया जा सकता था मध्य प्रदेश का, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश लेकर आया गया है। हालांकि एक ऐसे नेता है अकेले रशीद मसूद के बेटे इमरान मसूद, सिर्फ कांग्रेस के पास एक ऐसे चेहरे हैं सहारनपुर से ताल्लुक रखते हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुस्लिम चेहरा है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके दम पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को साबित कर सके या मजबूत कर सके। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कैसे आजम खान के मुकाबला करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि रामपुर में जब टिकट दिया जाएगा, रामपुर में हमेशा से नूरबानो कांग्रेस की तरफ से लड़ती रही है। तो अब देखना यह होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसी कौन सी रणनीति अपनाते हैं कि आजम खान का कैंडिडेट को या आजम खान के जो उम्मीदवार होंगे, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे, उनसे कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ पाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहूंगा। जब से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी यूपी और प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी बनाया है, तब से हर जगह न्यूज चैनलों पर चर्चा है, अखबारों में सुर्खियां बन रही हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा उनके जिम्मे दिए गए पूर्वी यूपी की ज्योतिरादित्य सिंधिया से बिल्कुल नीचे चले गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई पूछ ही नहीं रहा है, जिक्र नहीं कर रहा है, लेकिन हम जिक्र करेंगे, क्योंकि असली जंग तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी है। क्यों जंग का इसलिए भी होनी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसी कौन सी चाल चलेंगे कि वो मुस्लिम वोट कन्वर्ट होकर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की तरफ आ जाए, यह ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। फिलहाल अब ये सवाल तो उठना लाजमी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हो गए, उनका कद छोटा
कर दिया गया। आखिर उन्हें पश्चिमी यूपी का प्रभारी क्यों बनाया गया? पश्चिमी यूपी में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचा है। यहाँ की कुछ सीटें बीएसपी और आरएलडी का मजबूत हैं, गढ़ हैं, या जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल हैं। 2014 के अगर मैं आपको लोकसभा चुनाव में लेकर जाना चाहूंगा तो कांग्रेस यहाँ के अधिकतर सीटों पर तीसरे और चौथे नंबर पर भी रही है। जी हाँ, हालत काफी खस्ता है कांग्रेस पार्टी की। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कैसे करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सारी सीटों पर कब्जा। केवल सहारनपुर की लोकसभा सीट ऐसी थी जहां कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी। यहाँ इमरान मसूद को करीब 34.14% वोट मिले थे, वहीं भाजपा 39.59% वोट पाई थी। और साथ ही साथ अगर बात 2017 के विधानसभा चुनावों की करते हैं तो पश्चिमी यूपी क्या पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद को मात्र 7 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई थी। ऐसे में सिंधिया की नहीं कांग्रेस को जीवनदान प्रदान करना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। जी हाँ, भाजपा का इसी क्षेत्र में 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन रहा था और इन दोनों ही चुनावों में भाजपा ने क्लीन स्वीप की थी। ऐसे में मध्य प्रदेश के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा के इस प्रदर्शन को रोकने की भी उपाय सोचने होंगे। मुकाबला सिर्फ आजम खान से नहीं होगा, मुकाबला बीजेपी से होगा, मुकाबला समाजवादी पार्टी के गढ़ से होगा, मुकाबला बीएसपी के उन मजबूत जगहों से होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे और क्या रणनीति के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है और खास करके हम आजम खान पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि आजम खान कई क्षेत्र को में जैसे मुरादाबाद हो, अमरोहा हो, बिजनौर हो, नगीना हो, ये सारी बेल्ट में एक अपना वर्चस्व रखते हैं क्योंकि ये मुसलमानी क्षेत्र है, मुसलमान ज्यादा यहाँ पे काफी संख्या में है, आबादी काफी मुसलमानों की ज्यादा है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा कौन सा पासा फेंकेंगे कि आजम खान को चारों खाने चित कर दें, क्योंकि आजम खान लगातार हालांकि सॉफ्ट कॉर्नर उनका रहा है। जब प्रियंका गांधी को बनाया गया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया था तो उन्होंने बहुत सॉफ्ट एंगल रखा, उन्होंने बहुत सॉफ्ट अपनी बात रखी और राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि मैं ना उनसे कोई सवाल करना चाहूंगा ना उनको कोई जवाब देना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को राजनीति कोई आज से नहीं, उनका परिवार पुराना राजनीति में है। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत दिलचस्प हो जाएगी और दिलचस्प हो जाने के बाद ये भी तय करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब मैं आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ गणित समझाने की कोशिश करूंगा और देखेंगे कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया इस गढ़ में सेंध लगा सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जातीय समीकरण में सेंध लगाने की होगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित करीब 21%, मुसलमान 17% और ब्राह्मण और ठाकुर करीब 28% है। कभी कांग्रेस का वोट रहे दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण दूसरे दलों की तरफ चले गए, जिन्हें अपने पाले में जाना सिंधिया के लिए आसान नहीं होगा। मसलन दलित बसपा के साथ तो ब्राह्मण भाजपा की तरफ, तो मुस्लिम बसपा और सपा का रुख कर चुके हैं। जाहिर सी बात है इस क्षेत्र में जाटों की आबादी भी करीब 13% है, तो अब जाहिर सी बात है इस बार सपा बसपा के साथ गठबंधन में शामिल है। चूंकि कांग्रेस इस क्षेत्र में अकेले दम पर चुनाव में है, ऐसे में सिंधिया के लिए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में कांग्रेस के लिए जान फूंकना काफी मेहनत वाला होगा, मेहनत कशा होगा। अब राहुल गांधी के करीबी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो जिम्मेदारी बड़ी भी दी गई है। हालांकि कांग्रेस को शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर यकीन है, उनको भरोसा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ बड़ा कर सकते हैं और कुछ जो है कुछ कांग्रेस के लिए बेहतर कर सकते हैं। वो मध्य प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश में भी कुछ करिश्मा कर पाएंगे, वो साफ छवि वाले युवा नेता हैं, साथ ही अच्छी हिंदी भी बोलते हैं। उनका ग्वालियर क्षेत्र पश्चिमी यूपी की सीमा के साथ लगता है, जिससे वो क्षेत्र से वाकिफ भी हैं। लेकिन उन सब के बावजूद इस महाराजा के लिए पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के लिए कुछ कहना करना, किसी मुद्दे से काम करने में फूंकना नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल किसी मुर्दे में जान जैसा फूंकना होता है, वैसे कांग्रेस पार्टी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को साबित कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि मुकाबला सिर्फ आजम खान से नहीं, मुकाबला बीजेपी से है, मुकाबला जातीय समीकरण से है। और बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं तो अब देखना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं, चाहे दलित हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, किसके साथ जाएंगे, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ बड़ा कमाल कर पाएंगे।
आपकी क्या राय है और आजम खान का क्षेत्र है तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।